कोई जानता है और हर कोई उसके अंदर ज्वाइन होना चाहता है। और ज्वाइन होना भी क्यों ना चाहे, क्योंकि उसके अंदर बेनिफिट भी बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको। डायमंड देखने को मिलता है, रिवॉर्ड देखने को मिलता है, अर्ली एक्सेस देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती है। अब देखो यार, बात यहाँ पे आती है कि यार उसको ज्वाइन कैसे करें, फॉर्म फिल कैसे करें और उसके अंदर ज्वाइन कैसे हो जाए। हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है फिर भी अपन ज्वाइन कैसे हो सकते हैं, ये चीजें ना बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट रहती है। इसको लेकर मैंने दो वीडियो बनाई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि यार आप किस तरह से ज्वाइन हो सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेनिफिट क्या देखने को मिलते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में बताई है। उन दोनों वीडियो को जाके जरूर से देख लेना। उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है और बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। हम जानेंगे कि कैसे आप फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। फ्री फायर आपसे खुद कांटेक्ट करेगा, आपको खुद बुलाएगा कि भाई हमारे पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाओ आप। बस आपके अंदर दम होना चाहिए, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, आपके वीडियो में दम होना चाहिए। बस देखो यार, आपके अगर कंटेंट में दम है, वीडियो में दम है, तो फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम आपको खुद आवाज देगा कि भाई हमारे साथ आओ, हमारे साथ जुड़ो। अब बताऊँ कैसे कॉन्टेक्ट करेगा फ्री फायर आपको, कैसे पता चलेगा फ्री फायर को कि आप अच्छा कॉन्टेंट बना रहे हो, कैसे पता चलेगा कि हाँ आप उनके लिए फायदा पहुंचा सकते हो, उनके गेम को आगे लेवल तक लेके जा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ स्टेप फॉलो करना है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, दिल से लाइक करना, देखो भाई दिल से लाइक कर देना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, बेझिझक कमेंट करो, उसका रिप्लाई जरूर से आएगा। आपका भाई रिसर्च करता रहता है यार, आपके लिए रिसर्च करता रहता है, बस उसका फल नहीं मिलता मेरे को। बस आप वीडियो को शेयर कर देना। देखो यार, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, वीडियो अपलोड किए बिना आप नहीं हो सकते ज्वाइन, ये सिंपल सी बात है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड करते हो तो वहां पे गैरेना को टैग करना बिल्कुल मत भूलना, मेंशन करो गैरेना को। जहां पे भी आप इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करते हो, रील पे वीडियो पोस्ट करते हो, तो वहां पे इंस्टाग्राम का ऑफिशियल हैंडल होगा, उसको टैग करो। यूट्यूब पे करते हो तो यहां पे उसको मेंशन करो, अगर फेसबुक पे करते हो तो वहां पे मेंशन करो। तो यार इससे होगा क्या, तो फ्री फायर को पता चलता रहेगा कि आपकी नोटिफिकेशन फ्री फायर तक जाएगी, कि फ्री फायर को पता चलेगा कि आपने उसको मेंशन किया, तो फ्री फायर आपके कंटेंट को वॉच करेगा। जैसे ही आपके अच्छे व्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे, व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो फ्री फायर को लगेगा कि हां कि ये बंदा, ये चैनल है जो हमारे कंटेंट को आगे लेके जा सकता है, हमारे गेम को आगे लेके जा सकता है, हमारे गेम को फायदा पहुंचा सकता है। तो फ्री फायर को जैसे ही लगेगा कि आपका कंटेंट अच्छा है, आपके फ्री फायर वीडियो अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने वीडियोज को आगे ले जा सकते हो, अपने व्यू लेके आ सकते हो, तो क्या करेगा फ्री फायर आपको सीधा कॉन्टेक्ट करेगा। आप कॉन्टेक्ट कैसे करेगा, इसके लिए आपको मेल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जीमेल अकाउंट कौन सा डालना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो जीमेल अकाउंट डालना जो आपका सेकेंडरी है जीमेल अकाउंट हो, जिससे कि आपका फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कोई कनेक्ट ना हो, ऐसा जीमेल अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है सेकंड हैंड, जिससे कि आपको फ्री फायर गैरेना कॉन्टैक्ट करे। इससे करना कि आपको अपना जीमेल अकाउंट, जहां भी आप अपना वीडियो अपलोड करो, कंटेंट अपलोड करते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में वो वाली चीज वहां पे दे देनी है। जैसे होगा क्या, या फिर इससे होता ही है कि स्पॉन्सरशिप करने वाले जीमेल वाले आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे फ्री फायर को लगेगा कि आपका कॉन्टेंट अच्छा है, आप फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, उनको लगेगा कि हाँ आपको होना चाहिए फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन, तो वो सीधा आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर आपको वो मेल कर देंगे। मेल करोगे तो आप उनका रिप्लाई कर देना, जो भी वो बोले वो प्रोसेस वो कंप्लीट करें। एक मेल अकाउंट से बचना, बहुत सारे फेक अकाउंट यहाँ पे मेल अकाउंट रहता है, वो आपसे फ्री फायर आईडी वगैरह पूछते हैं, पासवर्ड पूछते हैं, जो भी पासवर्ड पूछे ना देना ही मत, वो फेक होते हैं। पासवर्ड तो कोई नहीं मांगता आपको, पासवर्ड किसी